नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ 990 दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल ऑफ 1090 इज, ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन डी 109। पॉज एंड ट्राई योरसेल्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1090 है डिवाइड बाय 990 की मैक्सिमम पावर, एन मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो सकता है ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए 990 के फैक्टर अगर हम निकालें तो इसमें एक तो 11 होगा, 3 स्क्वायर होगा, 2 होगा और 5 होगा, ये होगा। यानी कि इसमें हमें देखना, चेक करना पड़ेगा कि 11 की कितनी पावर है। फैक्टोरियल ऑफ 1090 डिवाइड बाई 11, 11 एक प्राइम नंबर है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 नहीं 99, 10, तो यहाँ पे 11 नहीं 99 लास्ट में, तो टोटल कितने आ गए, 11 की पावर कितनी जाएगी यहाँ पे। इस फैक्टोरियल का अगर 1090 का एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें 11 की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, 11 की पावर 108। इसी तरीके अगला फैक्टर हम 3 देखते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 1090 में 3 की कितनी, 3 स्क्वायर की कितनी पावर्स होंगी या 3 स्क्वायर कितने टाइम्स होगा। तो 3 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 3×9 1, फिर उसके बाद 3 की कितनी पावर्स आएंगी, अगर इन्हें जोड़ते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, 542। यानी कि 3 स्क्वायर की कितनी पावर्स हो जाएंगी, 271 टाइम्स हो जाएगा। 2 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स 271, यानी 3 स्क्वायर की जो पावर्स होंगी वो कितनी जाएंगी, 271। अब 2 की कितनी पावर्स होंगी, फैक्टोरियल 1090 डिवाइड बाय 2, इसमें देखते हैं 5×10 = 8 × 5×10। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा 2 की पावर्स हैं, तो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होगा वो 11 की पावर्स होंगी। 5 के भी चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 1090 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो इसमें कितना आएगा, 5×2 = 10, 5×5 = 5, 4×5 = 48। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे कम नंबर्स जो हैं वो हमें दिख रहे हैं 108। तो मतलब ये हुआ कि 990 को बनाने के लिए 11 की पावर ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, क्योंकि बाकी सारी पावर्स जो हैं 3 स्क्वायर की पावर भी 108 से काफ़ी ज़्यादा है, 2 की पावर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि 1090 के एक्सपेंशन में, और 5 की पावर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो 11 की पावर दे विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। अगर 11 की एक पावर होती है तो 990 क्रिएट होता है, 11 की दो पावर अगर बन जाए यानी कि स्क्वायर हो जाएगा तो 11 की दो पावर हो जाएगी। इस तरीके इसमें कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 1090 में जो है 11 की मैक्सिमम पावर 108 जा रही है और 3 स्क्वायर की पावर्स जो है वो 271 जा रही है। इसी तरीके 2 की पावर काफ़ी ज़्यादा जा रही है, 5 की पावर भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है, तो 108 जो होगा
यानी कि यहाँ पे जो 990 की पावर एन है, तो मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 108 रखना होगा, तभी ये फैक्टोरियल ऑफ 1090 डिवाइड हो पाएगा 990 से।